हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि ये पीछे कॉलेज दिख रहे हैं, तो ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, जो है जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है। कई ब्लॉक में हमारे कॉलेज देख चुके होंगे रिसेंटली। जो है ये कॉलेज को कवर थोड़ा सा हम कर रहे हैं और वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है, कॉलेज के बारे में अभी कोई जानता नहीं है और कॉलेज नया है। INC से कॉलेज यूँ कहें तो आज वेरीफाई हो गया है, बस कुछ दिनों में हो सकता है ऐड भी हो जाए, जो है दो चार दिनों में। हालांकि कॉलेज ऐड भी हो गया है, जो है INC से जो है कॉलेज एफिलिएटेड हो गया है। और आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो इसमें स्टूडेंट आते हैं BSc नर्सिंग के, वो अटल बिहारी से आते हैं। और पैरामेडिकल्स में यहाँ पे अभी सिर्फ डिप्लोमा कोर्स है। ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, पैरामेडिकल की बिल्डिंग है। और पैरामेडिकल्स में अभी यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, जो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी, मतलब बोलें तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम कैमरा पीछे फोकस करेंगे, बादल वगैरह आपको थोड़ा सा अच्छे नज़र आ रहे होंगे। जो है तो जो स्टूडेंट आते हैं इसमें स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू स्टूडेंट आते हैं, और उनको भी हॉस्टल मिलता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू स्टूडेंट आते हैं उनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हॉस्टल अवेलेबल है तो सबके लिए अवेलेबल है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, सबके लिए हॉस्टल है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट क्वेश्चन ना पूछे कि हॉस्टल जो है पैरामेडिकल्स के लिए नहीं अवेलेबल है, पैरामेडिकल्स के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। कॉलेज अगर बना है तो ये सबके लिए बना है। और यहाँ पे बैचलर अभी कोर्स नहीं आया हुआ है, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था बैचलर कोर्स क्या पैरामेडिकल्स के आए हुए हैं, तो बैचलर कोर्स अभी नहीं आया हुआ है। बैचलर कोर्स हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे UP की तो हो सकता है 2-3 साल में आ जाए, लेकिन आपको पता है बैचलर कोर्स आने के लिए इनको टीचर लाना पड़ेगा, सब कुछ लाना पड़ेगा। डिप्लोमा कोर्स में टीचर वगैरह की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं, टेक्नीशियन ही पढ़ा दे रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बाकी आप देख सकते हैं कॉलेज ये है, थोड़ा एरिया आउट ऑफ रेंज में है, मतलब सिटी से काफ़ी बाहर है। और कैंटीन आप देख सकते हैं, ये कैंटीन है जो कि लगता है स्टार्ट होने में काफ़ी समय लग जाएगा, हम लोग यहाँ कैंटीन का यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो है। और लाइब्रेरी भी आपको हम इस ब्लॉक में दिखा देंगे, जो है लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। जो है आपको पता होगा कॉलेज की टाइमिंग 9 से 4 है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग भी होती है नर्सिंग में, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तो यहाँ अभी कुछ नहीं होता है, जब से यहाँ पे हम विराजमान हैं। बाकी जो है बाकी क्लिनिकल तो ठीक ठाक होता है, क्लिनिकल इसलिए होता है क्योंकि नर्सिंग भी इसीलिए ही आया है, क्लिनिकल के लिए ही मजदूरी कराते हैं बस। जो है बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइब्रेरी, फ्री के मजदूरी अगर आपको करना है तो आप मेडिकल के कोर्स करिए। ये देखेंगे आप लाइब्रेरी है। बाकी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ खेलने कूदने की व्यवस्था एक नहीं है, तो ये देखेंगे जो है कुछ यहाँ पे ये चीज़ें हैं इंडोर की है, इंडोर यहाँ पे ये है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ये इंडोर है, ये चीज़ें दिख रही होंगी, ये इंडोर है। बाकी किसी दिन हम बैक कैमरा से कवर करेंगे, अभी तो फ्रंट कैमरा है, बैक क्या ही करें। तो ये चीज़ इंडोर है, यहाँ आप खेल कूद सकते हैं, यहाँ बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, बाकी तो यहाँ और कुछ नहीं है, बैडमिंटन ही है, क्योंकि अभी जो मैच हुआ था वो बैडमिंटन का ही मैच हुआ था जो है, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। आप देखेंगे जो काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, आप देखेंगे ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। और इस ग्राउंड में मैच हुआ करते हैं, मैंने बताया कि पहला मैच हमारी टीम जीती है जो है इस ग्राउंड में, मतलब कि अब काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है ग्राउंड, जो है घास वास जम गई है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अभी स्टार्ट नहीं है, कब स्टार्ट होगी कोई भरोसा नहीं है, स्टार्ट होगी कि नहीं होगी 1-2 साल में इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ गारंटी गवर्नमेंट की यही है कि इलेक्शन सही समय पे होना। यहाँ पे देखेंगे ये तरणताल है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं, जो है ये भी अच्छी खासी सुविधा है। बाकी हरियाली तो यहाँ अच्छी है, आप ज़मीन से अगर जुड़े हुए हैं तो आप इस कॉलेज को ले सकते हैं। सिटी में जाने से अच्छा है आप अपनी लाइफ जो है
गांव के ऐसे इंस्टीट्यूट में आके जो कि सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट सिर्फ दो जगह हमने बताया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है UPMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि माननीय अखिलेश यादव ने बनवाया, जो है मेडिकल कॉलेज तो मुलायम सिंह ने बनवाया था, पैरामेडिकल कॉलेज वहाँ का भी UPMS का भी अखिलेश यादव ने बनवाया था, ये भी पैरामेडिकल कॉलेज जो है अखिलेश यादव ने बनवाया है। अगर चाहते तो इसमें कितनी मंदिर और मस्जिद बन जाती, लेकिन उन्होंने जो है इंस्टीट्यूट के ऊपर फोकस किया है मेडिकल सेक्टर में। ये बहुत अच्छी चीज़ हमको लगती है जो है अखिलेश यादव की, काफ़ी जो है अच्छा काम किया है मेडिकल सेक्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग जो है हमारे हिसाब से यहाँ की स्ट्रेंथ जो है कम से कम 2000 के अप्रॉक्स स्ट्रेंथ होगी। अभी तो यहाँ पे ना ये हॉस्टल अभी चलता है, आपको ये हॉस्टल दिख रहा होगा, ना अभी ये चलता है, बन के सिर्फ खड़ा है। पंखे वंखे भी शायद चोरी वोरी हो गए हैं यहाँ, ये भी होता रहता है क्योंकि कोई रख रखाव नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कुछ नहीं है, साफ़ सफाई देखें कुछ हो रही, हालांकि ये चीज़ें एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी जो है बताने में क्या ही जाता है। ये है हॉस्टल नंबर सेकंड, ये भी स्टार्ट नहीं है, वो है हॉस्टल नंबर फर्स्ट, वो जो दिख रहा है वो हॉस्टल नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारा आवास उसी हॉस्टल में है, जो है अपना आवास उसी में है। बाकी आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर ये की गई है, ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जो कि आग अगर लगती है तो ये चीज़ें यूज होती, फायर ब्रिगेड की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप देखेंगे वो उधर चीज़ें दिख रही होंगी, वो गर्ल्स हॉस्टल है जो है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा विकास किया यहाँ पे, और अभी विकास करना यहाँ पे बाकी है। बाकी यहाँ पे हमने सुना है कि काफ़ी जो है लगभग काफ़ी रेंज है, काफ़ी कुछ दूरी तक जो है यहाँ पे बाउंड्री के अंदर ही, और बाउंड्री भी उधर चली गई है, तो वहाँ पे पब्लिक स्कूल बनने हैं, ऐसा भी यहाँ पे सुनने में आया। काफ़ी ज़्यादा कन्नौज में यहाँ पे हम देख रहे हैं विकास हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा काम भी हुआ है, गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम करवाया इधर। इतना बड़ा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सेपरेट बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रूरल एरियाज़ में इतने बड़े पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को खड़ा करना। हमने कई बार बताया कि अर्बन एरियाज़ में विकास वगैरह तो सब करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में विकास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी गवर्नमेंट को, क्योंकि जितने करोड़ रुपए में कॉलेज बना हुआ है इतने में कई मंदिर बन जाती और कई कुछ भी बन जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने हमने सबसे अच्छा लगा जो फोकस किया हुआ है वो फोकस किया है मेडिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर, काफ़ी अच्छा जो है फोकस किया। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है माननीय अखिलेश यादव का। आप देख सकते हैं, बाकी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, ये है केला का पेड़ जो कि हम लोग द्वारा लगाया गया है यहाँ, थोड़ा सा आपको लेकर आए जो है, तो अच्छा है जो है, काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और शहर से तो अच्छा है जो कि सिटी में, वही चीज़ें यहाँ पे हैं, सारे प्रैक्टिकल वगैरह नॉलेज सब कुछ है जो है। बाकी ये देख सकते हैं हॉस्टल नंबर एक है, और ये टंकी, हमने कई बार टंकी बताया जो है, ये सचिव जी की टंकी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है रिंकी नहीं रहती है। और बाकी हम आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉक में और चीज़ों को कवर करेंगे, काफ़ी ठीक ठाक लगा, हमने सोचा आज कुछ ना कुछ जो है इस ब्लॉक में बताया ही जाए जो है अपने बारे में, और यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में, काफ़ी अच्छा है। और जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं उनका वेलकम, एडमिशन ले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, और सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कॉलेज के बारे में कई बार, और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन सब मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज यहाँ से, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है वो मेडिकल कॉलेज में ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से हट के मेडिकल कॉलेज हमको लगता है 2008 में बना हुआ था, और 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई तो इसको जो है फिर दोबारा, तो उन्होंने पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट इसको बनाया जो है, तो अभी डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन वहीं हो रहा है, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहीं होगा क्योंकि वहीं डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होते हैं, यहाँ तो अभी सबमिट होने की कोई व्यवस्था वगैरह नहीं है, ना गवर्नमेंट इसकी तरफ पूरा ध्यान दे रही है अभी जो है, हालांकि ध्यान देना चाहिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ किसी रूरल एरिया में यहाँ पे, और कई साल से बन के खड़ा है, 2016 से ही इंस्टीट्यूट बन के खड़ा है, एक ये रोचक हमको जानकारी मिली जो है यहाँ आने के बाद,
2016 से इंस्टीट्यूट बन के खड़ा हुआ है। अगर 2016 से इतनी अच्छी बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है तो गवर्नमेंट को इसको यूज़ करना चाहिए, जो लड़कों का भविष्य है उसको थोड़ा सा जो है सुनहरा बनाना चाहिए। और अगर यहाँ पे बैचलर की सीट्स आएगी तो इसमें जाहिर सी बात है स्टूडेंट आएंगे पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ना फोकस करते हुए कहीं और फोकस कर रही है। वैसी कुछ बुरी भी नहीं है चीज़ें, क्योंकि जैसा आपका डिमांड होगा वैसी सप्लाई होगी। अगर आप डिमांड किसी और चीज़ का करेंगे तो गवर्नमेंट क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट में जो है कोर्स स्टार्ट करेगी और क्यों चीज़ें ऐसी इंस्टीट्यूट का निर्माण करेगी। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट हमने देखा, जो है हॉस्टल में बालकनी, हॉस्टल के रूम में बालकनी है और ऐसी चीज़ें होना, और रूम बहुत अच्छा है, एक डबल रूम में डबल फैन है और सब चीज़ें हैं जो है डबल डबल चीज़ें हैं एक रूम में, तो ऐसा होना जो है काफ़ी मुश्किल है ऐसे रूरल रीजन में इतने बड़े इंस्टीट्यूट का होना। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।